तो भैया आज हमें मिल गई है नई वाली रॉयल इनफील्ड मीटियोर, ये है जबरदस्त चीज रॉयल इनफील्ड मीटियोर, और साथ में हमारे पास आज मोजो भी है और इसके साथ में एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज है जावा, ये है जबरदस्त। आज ये तीनों ही गाड़ी 300, 300 और 350 नई वाली गाड़ी मेटियोर, और मेरे पास BS4 है, और ये अपनी जावा मोजो एंड रॉयल इनफील्ड मीटियोर। तो अभी हम बनाएंगे रॉयल इनफील्ड मीटियोर के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। भाई देखो, मैं गाड़ी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, चलाने में ठीक हूँ, तो अर्गोनॉमिक्स जो देखनी है, गाड़ी के सिस्टम्स जो देखने हैं, वो आप अपना बाकी जगह देखिएगा, हम सिर्फ गाड़ी चला के देखेंगे। जबरदस्त चीज, वाह। ये फुटपैक्स थोड़े से आगे हैं, ट्रैवलिंग के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस राइड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मिरर थोड़े मैं ठीक कर लूँ, अरे बाप रे, मिरर बहुत टाइट है इसके। और आप सुन पा रहे हैं बहुत ही शांति से एक एक हार्ट बीट, जैसे बुलेट का वो है, बट बुलेट की तरह बिल्कुल भी थम नहीं है इस गाड़ी के अंदर, बहुत ही रिफाइन और बहुत ही स्मूथ लग रही है। तो चलिए चला के देखते हैं, लेट्स डू इट। थोड़े फुटपैक्स आगे हैं, इस वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि मुझे उस तरह से आदत नहीं है, बट ये रॉयल इनफील्ड से काफ़ी कंफर्टेबल है। जो RE क्लासिक का वो फील है, पोस्चर है बैठने का, उससे बहुत कंफर्टेबल है, और वाकई में मतलब मुझे उतनी नेकेड बाइक्स पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। थोड़ा सा एक चीज़ इसमें मुझे नहीं समझ में आ रही है, वो है, अभी चलो टेस्ट करते हैं, ये फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर है, गियर पोजीशन इंडिकेटर इसके अंदर दिखाई दे रहा है हमें, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, थोड़ी नॉकिंग आ रही है, सेकंड, फर्स्ट एंड न्यूट्रल। नाउ हम एक बार लॉन्च करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रिफाइंड इंजन है, गाड़ी चला के वाकई में मज़ा आ गया। एक चीज़ इसमें मैं अभी बताऊंगा आपको, क्या है फर्स्ट राइड रिव्यू आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है वाकई में, सिटिंग पोस्चर, कंफर्टेबिलिटी के मामले में मज़ा आ गया, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा इसमें, थोड़े से फुटपैक्स यहाँ से साइड से थोड़े ऊपर हैं, जिसकी वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल मुझे महसूस हुआ। आई डोंट नो बाकी लोगों का रिव्यू कैसा रहेगा, बट इसके अंदर थोड़ा सा ये चीज़ मुझे समझ, पहले जैसे रॉयल इनफील्ड के हैंडल हल्के से टिल्ट थे, फुटपैक्स हल्के से अंदर की तरफ टिल्टेड है, तो वो बस थोड़ा सा मुझे लगा, बाकी अल्टीमेट चीज है, मजा आ गया। इंजन वाइज कैसी है?
इंजन बहुत ही रिफाइन है और मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई अगर आप कहो कि रॉयल इनफील्ड के हिसाब से अगर वाइब्रेशन की बात करो तो रॉयल इनफील्ड नहीं, और भी गाड़ियों के हिसाब से वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त रिफाइन और कॉम्पैक्ट इंजन है, चलाने में मज़ा आ गया और मैं कह सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर 1000 किलोमीटर पूरे दिन में निकाल सकता हूँ। क्रूजिंग के मामले में कम्फर्टेबल, बट आई डोंट नो कि इसमें शैडल बैग्स लगने के लिए कितना कम्फर्टेबल रहेगा। मेरे हिसाब से टूरिंग किट इसमें लग जाएंगे, शैडल पायनियर के लिए इसमें लग जाना चाहिए, सैडल स्टेज आराम से लग जाएगा। बट मजा आ गया, राइडर सीट बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल राइडर सीट है, पहले से ज्यादा बेटर है। चले तो भाई, ये थी रॉयल इनफील्ड मीटियोर, आज हमें हमारे भाई लोगों की वजह से चलाने को मिल गई। ये सारे भाई लोग हमारे जो है यहाँ हम लोग आए हुए थे एक छोटा सा शूट के लिए आयुष भाई के साथ में, तो हमें गाड़ी चलाने को मिल गई, थैंक यू वेरी मच भाई, ज़बरदस्त गाड़ी है, वाकई में मज़ा आ गया। भाई लोग देखो, मैं गाड़ियों का और इंजन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इस वजह से जो भी इसके बारे में बाकी नॉलेज लेनी है वो रॉयल इनफील्ड के शोरूम में जाके गाड़ी चला के उसके ब्रोशर से उठाना, किसी के कहने पर और गूगल करने पर मत चलना, सही बात है राइट। हाँ तो आयुष भाई एक चीज बता रहे हैं, हाँ आयुष भाई बताइए। तो मतलब अभी तक इतनी बड़ी डिस्क इवन इंटरसेप्टर जो दो उसके ट्विन सिलेंडर गाड़ियां रॉयल फील्ड की उसमें भी नहीं आई है, तो इससे क्या होता है कि इससे ब्रेकिंग जो इन्होंने वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, तो पीछे भी इस बार काफ़ी ज़्यादा वेट पड़ने वाला है, तो जिससे आपकी ब्रेकिंग और अच्छी, मतलब जब आप बैठोगे, आपने कभी पिछली ब्रेकिंग यूज़ करी इस बार? मैंने अभी इस पर इंजन ब्रेकिंग करी, मुझे मज़ा आ गया, गाड़ी बहुत स्टेबल थी, गाड़ी वाकई में बहुत स्टेबल थी, इंजन ब्रेकिंग करी क्योंकि मेरे को थोड़ा आदत ज्यादा हो गई है इंजन ब्रेकिंग करने की। जो पुश रॉड, पहले पुश रॉड इंजन हुआ करते थे, अब तो एससी सेटअप है। एससी सेटअप है, एसओएससी, वाओ, ओवरहेड कैमशाफ्ट, पुश रॉड था ना जिससे थंब, जब से थंब आता था रॉयल एनफील्ड का पुराना वाला, तो ये थोड़ा सा क्या है ना कि वो चीज, चलो जिनको फील तो था लेकिन वो थोड़े टाइम बाद इरिटेट करने लगता था, मॉडर्न इंजन, यस, थोड़ा लॉन्ग रन में 80-90 के ऊपर फिर वो इरिटेट करता था। गियरबॉक्स 5 स्पीड ही रखा है उन्होंने, मुझे लगता है कि अगर टूरिंग के लिए आप चल रहे हैं तो एक 6th गियर जरूरी है, जो मुझे इसमें मिस हुआ, जो कि मैं अपना मोजो में भी कई बार जो है हाई स्पीड पे जब निकलता हूँ तो थोड़ा मुझे मिस करता है कि एक और गियर होता तो मज़ा आ जाता है, वो मेरी पर्सनल वो है ओपिनियन, बट डेफिनेटली ये गाड़ी में कुछ ना कुछ तो अच्छा गया, एक गियर और होता। ये क्या 270 है भाई, 270 है, 260 है, लेकिन ये बड़ा है, सबसे इस सेगमेंट की गाड़ियों में सबसे बड़ा रियर ब्रेक है। और एक अच्छी चीज जो लगी है वो है इसके अल्टीमेट रिम अलॉय रिम्स, ये जबरदस्त हैं और बहुत लाइट वेट है वाकई में। चलिए, ये ABS के साथ आती है, BS6 है, थैंक यू जिन्होंने अभी तक भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, यहाँ मैं क्लोज करता हूँ, थैंक यू।